नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे आप और आपका पूरा परिवार। दोस्तों, ये कोरोना काल है, अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी पूरा पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को दोस्तों यदि आपने कर लिया, आपके साथ पुश्ते बैठे खाएंगी, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कोई ऐसी आपकी इच्छा नहीं रहेगी जो अधूरी रह गई हो। आप सबने दोस्तों सुना होगा बेर के बांदे के बारे में, बांदा बांदा, जैसे मैं बोलती हूँ बेर का बांदा, किसी भी चीज का बांदा, तो सडनली आपके अंदर क्वेश्चन आता है, वो बांदा, ये तो बहुत ही बोरिंग वीडियो बना दी, मैं बांदा कहाँ लेने के लिए जाऊंगा। दोस्तों आप देखें, जहां पर भी बेर का पेड़ लगा हुआ हो, उस पेड़ पर कोई भी जब दूसरी वनस्पति निकल करके आ जाती है तो उससे बांदा कहते हैं। कई बार कई पेड़ों में बिल्कुल रेड रेड कलर के छोटी छोटी सी लकड़ी जैसी निकलती है, बिल्कुल रेड कलर की होती है, उसे भी बांदे के रूप में यूज किया जा सकता है। वैसे दोस्तों एक एक पेड़ पर, जैसे कि पीपल का पेड़ है और उसके अंदर से कहीं से बरगद का पेड़ निकल जाए, कभी ऐसा होता है जैसे लकड़ियों के अंदर कहीं किसी चीज का दाना किसी दूसरे पेड़ का गिर जाता है तो वो उस पेड़ की ताकत लेकर के उग करके निकलता है। ये इसकी पूरी ताकत उस पेड़ पर होती है जिस पेड़ से ये निकला होता है, इसीलिए इसको इसे बांदा कहते हैं। इसका अपना कोई पावर नहीं होता है, जैसे कि बांदा बांदी वो किसकी शक्ति पर कूदते हैं, उनके मालिक की शक्ति पर, जहां से उन्हें पावर मिल रहा है ना। तो ये बांदा, बेर का बांदा जो बेर के पेड़ पर उग निकला हो, वो चीज दोस्तों आपको शायद नहीं मालूम है कि जिसके भी पास बेर का बांदा है, वो व्यक्ति जो चाहता है वो उसे मिलता है। जब तक ये बांदा उसके पास रहता है, हर चीज उसे मिलती है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कई लोग मैंने खुद देखे, मतलब दो से तीन, बहुत सारे तो नहीं देखे, लेकिन दो से तीन लोग मेरी नजरों के सामने ऐसे हैं जिनके पास में बेर के बांदे हैं और आज उनके पास वो सब कुछ है जो वो चाहते थे। तो कोशिश करें आप भी, बेर का बांदा कहीं से भी आपको मिल जाए, आप दिमाग में रखें इस चीज को, असंभव तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तो बेर का बांदा है, बहुत ही पावरफुल अमूल्य चीज है ये, और ये दोस्तों आपको लाना है स्वाति नक्षत्र में। कोई भी दिन हो, कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, सब कुछ चलेगा, बस आपको ये देख लेना है। आप न्यूज़पेपर में देखिए, रोज सुबह नक्षत्र आ जाते हैं कि आज कौन सा नक्षत्र है, पंचांग में भी, वैसे पंचांग आप ना देख सके, आपको ना आता हो देखना, कोई बात नहीं है, लेकिन आप न्यूज़पेपर में चाहे तो एवरीडे देख सकते हैं कि किस दिन कौन सा नक्षत्र है। तो जब स्वाति नक्षत्र हो, उस दिन आपको इस बांदे को लाना है, ला करके आपको इसको गंगा जल से धो लेना है, स्वच्छ कर लेना है, स्वच्छ करके आपको इसको पूजा स्थान में रखना है। छोटा सा लाल कपड़ा ले लें, उसके ऊपर आप इस बांदे को रख दें, ठीक है। रख करके इसके ऊपर कुमकुम, हल्दी, अक्षत वगैरह चढ़ा दें, थोड़ा सा कुछ मीठा भी रख दें। कोई भी चीज जब आपके घर में आती है, इंसान हो, देवी देवता हो, या कोई भी, उसका स्वागत आप अच्छे से करें, जितना अच्छे से स्वागत करेंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। घी का दिया लगाएं और उसके बाद में तुलसी की माला लेकर के आपको मंत्र बोलना है, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, अंतरिक्ष, ओम अंतरिक्षाय नमः, ठीक है। इस मंत्र को दोस्तों आपको सिर्फ 108 बार, मतलब कि एक माला आपको करनी है, ये बांदा पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद में इस बांदे को आप उसी लाल कपड़े में बांध दे, रैप कर ले, बांध ले। आप चाहे तो इसे तिजोरी में रख दे, आप चाहे तो इसको अपने हाथ में बांध ले, आप चाहे तो इसको घर के दरवाजे पर बांध दे। घर के दरवाजे पर बांध देंगे दोस्तों, कभी कोई शत्रु आपके घर की तरफ नजर नहीं उठा पाएगा और हमेशा आपके घर में लक्ष्मी आती रहेगी। जब तक भी ये बांदा आपके पास रहेगा, जहां आपकी शॉप हो, आपका यदि कोई धंधा पानी कहीं चल रहा है, आप वहां जाकर के इसको बांध सकते हैं, ड्रॉर में रख सकते हैं, और सबसे बढ़िया तो मैं यही कहूंगी कि आप इसको तिजोरी में रखें, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कर्म है आपका, तो उसका उद्देश्य होता है पैसे कमाना, और तिजोरी में यदि ये बैठा रहेगा तो अपने आप दुनिया भर का धन अपने अंदर
खींचता रहता है। और कोशिश करें दोस्तों, ऐसी अमूल्य चीजें कभी गायब ना हो, कभी किसी के हत्थे ना चढ़े। जैसे हत्था जोड़ी है, सियार सिंगी है, ये भी बहुत पावरफुल चीज है। ऐसे ही जैसे अमुक समय पर यदि आप अपने घर में गुंजा लेकर के आते हैं, गुंजा के दाने भी अपने आप अपने पर्स में रखते हैं, हमेशा पैसे आते रहते हैं। मैंने काफी लोगों को गुंजा के जो भी उपाय बताए बहुत सक्सेसफुल है। हर व्यक्ति, कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये व्यक्ति अनसक्सेसफुल है। तो और गुंजा तो आपकी भविष्यवाणी भी आपके बारे में कर देती है, आपको पता चल जाता है कि आप शत्रुओं से घिर रहे हैं, आपका बुरा समय आने वाला है। तो ये तमाम जो जड़ी बूटियां हैं प्रकृति में, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई है दोस्तों जो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। और बेर का बांदा तो इन सब चीजों का बाप है, मैं यूं बोलूं तो चलेगा, हर चीजों का किंग है, ये लाने के लायक चीज है। यदि आपको कहीं से भी मिल जाए, कोशिश करें आप कि आपको ये चीज मिल जाए, ला करके इसे तिजोरी में रख दे। जो भी उपाय मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, आप उसे कंटिन्यू करके देखें, आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो आप बोलना, अरे आप पैसों में खेलेंगे, लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। पैसों को लेकर के आपकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। इतने बढ़िया बढ़िया ये उपाय हैं, करने के लायक है। तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। करते रहे, खुश रहे, जय श्री।